वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। आज हम आपको बहुत ही आसान और टेस्टी ऐसी क्रिस्पी चीज़ी पाव की रेसिपी सिखाने वाले हैं। ये रेसिपी आप एक बार बनाओगे तो पिज़्ज़ा भी भूल जाओगे। इसकी पूरी रेसिपी जानने इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये रेसिपी हम बिना ओवन के कढ़ाई में ही बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। क्रिस्पी चीज़ी पाव बनाने के लिए हम एक मीडियम साइज टमाटर लेंगे, एक कैप्सिकम लेंगे, एक प्याज लेंगे और 100 ग्राम पनीर लेंगे। सबको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब आगे हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें हम सारी सब्जियाँ वन बाय वन डाल देंगे। लास्ट में हम पनीर डालेंगे। पनीर के हमने मीडियम पीस रखे हैं। अब इन सब को हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब सबसे पहले हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसमें एक टीस्पून ओरिगानो डालेंगे। ओरिगानो डालने के बाद हम इसमें एक टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टीस्पून मेयोनीज डालेंगे। मेयोनीज डालने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। अब एक बार फिर से इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सर तैयार है, इसे हम एक साइड पर रख देंगे। अब हम जो 6 पाव का सेट आता है उसमें से हमने 4 पाव लिए हैं, आप 6 भी ले सकते हैं। हम इसको अलग नहीं करेंगे बल्कि इसे बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे। इस तरीके से हमें हल्के हाथों से इसे कट करना है। देखिए, इसके हम 2 हिस्से कर देंगे। तब तक बीच में हम एक कढ़ाई में नमक डालकर इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। अब इसे ढककर हम मीडियम गैस पर 10 से 15 मिनट तक गर्म होने देंगे। अब एक प्लेट लेंगे और इसे हम बटर से ग्रीस कर देंगे। प्लेट को चारों ओर से अच्छी तरीके से हमें ग्रीस कर लेना है। अब पाव का जो निचला हिस्सा है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाएंगे। देखिए, हमने पाव को अच्छी तरीके से पिज़्ज़ा सॉस से कोट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ रखेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छी तरीके से चारों ओर मोज़रेला चीज़ रख देंगे। मोज़रेला चीज़ रखने के बाद हमने जो मिक्सर बनाया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इसे भी हम चारों ओर अच्छी तरीके से फैला देंगे। देखिए, हमने मिक्सर अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा और मोज़रेला चीज़ रखेंगे।
जिसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा ओरेगानो डालेंगे। ओरेगानो डालने के बाद हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब जो पाव का ऊपर का हिस्सा है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम पाव को ऊपर से भी अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर देंगे। पाव को हम चारों ओर से अच्छी तरीके से बटर से ग्रीस कर देंगे। इसकी साइड्स और सबको अच्छी तरीके से हमें ग्रीस करना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ओरेगानो डालेंगे। ओरेगानो डालने के बाद थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अब हमने जो कढ़ाई गरम करने के लिए रखी थी उसका ढक्कन खोल देंगे। अब इसके अंदर हमने जो प्लेट तैयार कर रखी है वो रख देंगे। अब हम कढ़ाई को ढककर मीडियम गैस पर 15 से 20 मिनट तक इसे बेक होने देंगे। 15 से 20 मिनट हो जाए इसके बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। देखिए पाव का कलर भी चेंज हो गया है और चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर हम प्लेट को निकाल देंगे। आप पाव को ऊपर से भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि चीज़ भी कितना अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो तैयार है हमारा क्रिस्पी चीज़ी पाव, जिसे हम टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।